क्या आप जानते हैं भारत की पहली महिला डॉक्टर कौन थी? भारत की पहली महिला डॉक्टर आनंदी बाई जोशी थी। इनका जन्म महाराष्ट्र के एक पारंपरिक ब्राह्मण परिवार में 31 मार्च 1865 ईस्वी को हुआ था। इनका बचपन का नाम यमुना था और 9 वर्ष की आयु में ही इनका विवाह गोपाल राव से कर दिया गया। 14 वर्ष की आयु में इन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसकी 10 दिनों के पश्चात ही मृत्यु हो गई। इस घटना से आहत आनंदी के मन में डॉक्टर बनने का चाहत जन्म लिया। अनेक मुसीबतों को पार करके आनंदी ने अमेरिका से 11 मार्च 1886 में एमडी की डिग्री प्राप्त कर इंडिया लौटी। लेकिन अफसोस, 26 फरवरी 1887 को उनका देहांत हो गया। अर्थात इस प्रकार वो लंबे जीवन को तो नहीं जी पाई एक डॉक्टर के रूप में, परंतु भारत की पहली महिला डॉक्टर होने का ख्याति उन्हें प्राप्त हुआ।